इस सीरीज में जब हम परमेश्वर के प्रकाशनों के बारे में बात कर रहे हैं कि वर्तमान समय में बिल्कुल अभी इस मार्च महीने में 2022 में प्रभु का प्रकाशन जो बहुतायत से है, उन्हीं में से एक प्रकाशन के बारे में अभी मैं बात करूंगी जो इतना स्पष्ट प्रकाशन है परमेश्वर का, और वो चाहता है अब सब विश्वासियों से जरा इस मामले में सावधान हो जाएं, अपनी आँखें और कान खोल लो, वचन क्या कह रहा है, जिसको हम भूले बैठे हैं। हो सकता है ये वचन की ये भी और इसके बारे में कितनी सारी जगह प्रभु का वचन बता रहा है, लेकिन हम अपनी दुनिया में लिप्त हैं, खोए हुए और भूले हुए बैठे उस प्रकाशन को जिसको प्रभु चाहता है। उसके विषय में मैं बाइबल में से भी एक वचन आपको पढ़ के सुनाऊँगी, बाकी मैं प्रभु का प्रकाशन आपको बताऊँगी कि प्रभु क्या चाहता है। तो उसके लिए मैं वचन पढ़ना चाहूँगी बाइबल में, पवित्र बाइबल में लुका 12 अध्याय और उसका दूसरा वचन। यहाँ पर लिखा है, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छुपा है जो जाना ना जाएगा, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वो छत पर से प्रचार किया जाएगा। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह, ये क्या बात कह रहे हैं? कानों कान जुम कहते हो, जो वो अंधेरे में कह रहे हो तो उजाले में, और कानों कान कह रहे हो तो छत में। ये तो उस समय की बात है, यानी तब भी ये बात थी, चापलूसी, कानाफूसी, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, किधर से मेरा मतलब सीधा हो, क्या क्या बोलूँ मैं, वो बात थी। और अब तो मामला और भी आसान हो गया, अब तो कोठरियों में और अंधेरे में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ोन है सबके पास, ऐसा निंदा का यंत्र जिसमें हम रात दिन चिपके रहते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई उसकी बुराई उसकी बुराई। बचपन में हम एक कथा पढ़ते थे कि एक बंदर था और वो दो बिल्लियों में लड़ाई लगा के वो दोनों तरफ से फ़ायदा लेता था, कि मैं रोटी बांटने वाला बन गया था, उसको अधिक उसको कम, उसको अधिक उसको कम। बिल्लियाँ क्या सोचती थी, ये तो मेरा हितैषी है, ये तो मेरा भला चाहता है, और वो नहीं जानते कि ये दोनों किस प्रकार वो बुद्धू बना के अपनी बातों में फंसा के, बातों में फंसाने की बात बाइबल हमें कितने सारे बता रही है, जुबान के पाप जिनको हम सोचते हैं ये पाप नहीं, हम क्या सोचते हैं, व्यभिचार पाप है, क्रोध, गाली देना, मर्डर कर देना पाप है, चोरी हत्या करना पाप है, डकैती पाप है, या प्रभु से विरोध करके दूसरी जगह हम आराधना करने लगे, परमेश्वर को आदर ना दें, गंदे स्थानों में जाएं, गंदा चरित्र रखें, वही पाप नहीं। उतनी ही बात नहीं है, यहाँ परमेश्वर क्या बता रहा है, बाइबल हमें क्या बता रही है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और ज़ुबान के पाप कितने सारे बता रखे, कितने सारे कि व्याख्या करें तो कम पड़ जाएंगे। ज़ुबान जो हमसे पाप कराती, चापलूसी का, हेरा फेरी का, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, और बहुत ही अफसोस होता है जान के जब हम भुगतते हैं और हम सोचते हैं कि जो नहीं जानता वो तो चलो नहीं जानता ज्ञान में, लेकिन जो जानता है और दावा करता है, हालेलुया हालेलुया रात दिन जो हम करते हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग, प्रचारक मिनिस्ट्री वाले लोग, वो अगर ये कानाफूसी, चापलूसी, वचन क्या कहता है, कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट डलवा देता है, और बहकाने वाली आत्मा अपना काम मतलब निकालने के लिए, जुबान जो है ना हमारी, हम सोचते हैं कि मैंने जो बोला है उसको कोई नहीं जानता, लेकिन वचन क्या कह रहा है, ये तो उनकी बात कह रहा है जो मुंह से बोल रहे थे, आप और मैं तो उस ज़माने में हैं कि जो लोग झूठे स्क्रीनशॉट बना के, किसी की फ़ोटो कहीं लगा के, किसी की बात कहीं लगा के, वॉइस नोट बना के, रिकॉर्ड करके, हेरा फेरी करके, एडिटिंग करके, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप ये सब कर रहे हो तो वचन हमें क्या बता रहा है, ये किसकी क्वालिटी है, हम जो सोच रहे हैं ये मनुष्य का सिर्फ स्वभाव है, सिर्फ उसकी आदत है, बात इतनी नहीं है, बात इससे बहुत अधिक है। वो प्रकाशन में बताऊं जो प्रभु यीशु मसीह आज आपको और मुझे समझाना चाहते हैं, वो बता रहा है कि ये किसका ट्रैक है, ये किसका गुण है विशेष, बहकाने वाली आत्मा, शैतान का। हम सब जानते हैं कि शुरुआत में आदम और हवा को बनाया उस समय से एक सर्प की बात बताई है, जो लिखा है सर्प जो है सारे जानवरों से सबसे ज़्यादा धूर्त था, धूर्त था, इतना चलाक बुद्धि का था, इतनी दुष्टता से भरा हुआ था, इतना
इतना बहलाने फुसलाने वाला था कि वो क्या कह रहा था, परमेश्वर ने कितने प्रेम से अपने स्वरूप पे आदम को बनाया, फिर हवा को बनाया और सब कुछ दिया, एक बोला कि उस पेड़ का फल नहीं खाना। लेकिन ये जाता है वही काना फूसी वाला, फुसलाने वाला, तारीफें करने वाला, सर पे बिठा लेने वाला, चढ़ाने वाला। सांप क्या कहने लगा, ये तो बहुत सुंदर फल है, देखने में अच्छा है, ऐसा अच्छा है, और क्या करेगा, तुम्हारी आंखें खोल देगा, बुद्धिमान बना देगा तुम्हें, और ईश्वर के तुल्य हो जाओगे, ईश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ से शुरुआत हुई कि नहीं, उसकी बात में फंस के हवा आ गई बहकावे में, फिर हवा ने फुसलाया आदम को और वो भी आ गया बहकाने में। बात क्या है, जुबान की, एक झूठ, एक चापलूसी, एक झूठी मनगढ़ंत कहानी। ऐसी वही फितरत आदम हवा वाली आज भी हम में, कि हम बहुत जल्दी बहक जाते हैं, कई बार तो भोलेपन में सीधे होते हैं लोग, हम सोचते हैं हमें कोई मसीह में भाई बहन है, हमें आदर दे रहा है, हमसे प्रेम कर रहा है, वाकई में शायद प्रभु के प्रेम में, अनुग्रह में वो बढ़ रहा है। लेकिन हम देखते हैं यदि वो ये फितरत से अगर बाहर नहीं आ रहा, तो ये हैलेलुया हैलेलुया और ये सारी बातें करना बिल्कुल बिल्कुल व्यर्थ है। आज प्रभु का आत्मा शोकित है इससे, और प्रभु चाहता है आज आपसे और मुझसे कि आप बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज और चलाने का दावा कर रहे हैं, पास से देख रहे हैं कितने लोगों की आत्मा को हम शोकित करते हैं। तो प्रभु का वचन आज हमें चाहता है, यदि कोई हमसे बोलता है, यदि कोई हमसे बताता है कि इसके विषय में ये बात कही गई है, तुम्हारे विषय में उसने ये कही है, उसके विषय में ये कही, यदि ऐसा कुछ बताया जाता है, तो वचन हमें क्या बताता है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक वरदान है आत्मा की परख का वरदान, आत्मा की परख का वरदान। कई बार तुरंत परख हो जाती है, कई बार प्रभु चाहता है कि आप उस प्रोसेस से गुजरे, जाने समझे, ताकि सावधान हो। और वचन ही बोलता है, मैं अपने लगभग हर ही वीडियो में ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि दोष लगाना एक अलग बात है और सावधान रहना अलग बात है, दोनों अलग अलग बात है। और आज तो प्रभु का धन्यवाद है, मसीह में बहुत सारे भाई बहन हैं जो गलत के खिलाफ बोलते हैं, जो यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो, तुम्हारी बात ना की ना हो, वो कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग कुछ तो अनजाने में और कुछ इन भोलेपन में, मसीही प्रेम में। मैं भी जब पास से गुजरती हूँ तो मुझे लगता है परमेश्वर, इतने वर्षों हमने तन मन धन से किया, हर कार्य को परमेश्वर का जान के किया, लेकिन ये लोग अगर इधर की उधर, उधर की उधर मिलावटें, इसकी बुराई, उसकी बुराई। और वचन क्या कह रहा है, कोई भी बात ऐसी नहीं, छुपी नहीं है, जो खोली नहीं जाएगी, कि कानों कान कहीं सुनाई नहीं जाएगी। कितनी शर्मिंदगी की बात ना, कि आपने जो कुछ कहा वो उस व्यक्ति को स्पष्ट, एक एक शब्द, एक एक शब्द ऊँचे छत से प्रचार किया जाएगा, जो आप ढका के छुपा के बैठे। आपने भी देखा होगा, मैं भी देखती हूँ, कितनी स्त्रियों को, कितनी सहेलियों को, लड़कियों को जो कम उम्र की हैं, दोस्त हैं, हम सुनते हैं कितने पीछे एक दूसरे के लिए क्या क्या नहीं कहते हैं, दुश्मनी ठाने बैठे हैं, मगर सामने हम देखते हैं सोशल मीडिया में वाह वाह, यू आर ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ये वो लिखते हैं, ब्लेसिंग्स लिखते हैं। किसको धोखा दे रहे हैं, कितने लोगों को तो हम व्यक्तिगत जानते हैं, कि आदमी इतना भी, ऐसा भी हो सकता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का, सम्मान नाम का चीज ही ना हो। प्रभु का आत्मा आज कहता है, अगर तुम्हारा मन परमेश्वर का मंदिर है, शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसमें प्रभु का आत्मा है, तो आत्मा तो वही बोलेगा जो हाँ की बात हाँ है, ना की बात ना है। वो दोष लगाना नहीं है, वो सावधान रहना है, वो आत्मा का एक वरदान है जो प्रभु आज चाहता है कि जब लोग आपसे कहते, मिलने नहीं देते दोस्तों से, रिश्तेदारों से, वो तुझे ये कहता है, वो तुझे वो कहता है, उसने तेरे बारे में ये कहा, उसने वो कहा, रिश्तेदारों में, परिवार में, पड़ोस में, मित्रों में, मिनिस्ट्री में भी, वो तुझे ये कहता है, वो तुझे वो कहता है, उसने तुझे ये कहा, वो क्या कहता भी है तो क्यों कहता है पता करें कारण, और कहता है तो उस ही व्यक्ति से क्यों कहता है ये भी पता करें। वचन चाहता है अगर कोई आपके बारे में कुछ कहता है तो आप आमने सामने बात क्लियर करें जाके, कि हर बात यदि उसी व्यक्ति से कहता है आदमी जो हमारी बुराई सुनने का आदि हो, जो बुराई में शामिल हो, जो बुराई नहीं सुन सकता उससे कोई बुराई करता।
जो हमसे प्रेम करते हैं, जो वाकई में हमारे हितैषी हैं, जो मसीह में हमारे भाई बहन हैं, वो बुराई सुनने पे क्या कहेंगे कि मैं यकीन ही नहीं कर सकता, मैं तो उस व्यक्ति को जानता हूँ। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ, आपके साथ भी होता है कि जब हम नए नए कहीं जाते हैं, किसी को नहीं जानते, तो जो व्यक्ति बताता है वैसी ही छवि बन जाती है कि शायद ये ऐसा है ऐसा है, लेकिन जब हम उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, व्यक्तिगत जानते हैं, तो लगता है नहीं, हमने जैसा सोचा वैसा नहीं, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमें कनेक्टेड करता है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है, प्रभु ने सबके लिए एक ही दी है, तो वो हमें बताता है, सावधान करता है। लेकिन अगर कोई हमारी उन भलाई की बातों को, जो आत्मा के द्वारा प्रेरित है, उनको नहीं मानते और बोलते रहेंगे बात तो आपकी ठीक है, बात तो आपकी ठीक है, तो हम सहमति नहीं चाहते। वचन क्या कह रहा है वो तो सबको पता है, जो बाइबल में वो बात ठीक है। आकाश और पृथ्वी टल जाए वो नहीं टल सकती, वो सत्य है, अटल है और अवश्य पूरी होगी। उसकी सहमति चाहने के लिए नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे कि वो ठीक है या नहीं, बल्कि इसलिए कहा जा रहा है कि यदि वो ठीक है तो आप मानते क्यों नहीं। मैंने भी कितने लोगों को देखा पीछे, तो बिल्कुल परेशान, रोते हुए आंसू गिरा गिरा के सॉरी 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 करके आते हैं, लेकिन बाज नहीं आते। वचन बोलता है, नीति वचन इसी बारे में बोलता है, मूर्ख जो है वो अपनी मूर्खता से नहीं फिरता, क्योंकि शैतान ने ऐसा कर रखा। पीछे जिन लोगों से परेशान है, पीछे जिन लोगों के लिए बिल्कुल रो रहे हैं, आंसू गिरा रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, कह रहे हैं कैसे पीछे छूटे, सामने देखो, सामने देखो, आमीन, हालेलुया, वंडरफुल, भैया, दीदी, भाई बहन, यहाँ तक कि चापलूसी में आदमी ऐसा हो जाता है उसके खानदान की हर एक चीज़ की चापलूसी करने लगता है, चाहे बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, जो खूब चापलूसी, और पीछे कुछ और। ये तो उस समय की बात है जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि खुलेआम बोला जाएगा जो कानों कान कहा, और आज तो कितना आसानी, कितनी बुरी बुरी बातें हम एक दूसरे के लिए बोलते हैं, एक दूसरे के विषय में बोलते हैं, अपना काम बनाने के लिए चरणों में पड़ जाते हैं, और हमें लगता है ये कोई गुनाह नहीं। हम सोचते हैं सिर्फ गाली देना, क्रोध करना ही गुनाह है, हम सोचते हैं श्राप देना ही गुनाह है, लेकिन नहीं, वचन बता रहा है ज़ुबान के बहुत सारे गुनाह, और ये सब शुरुआत कहाँ से बता रहा है, शैतानी ओर से। इसको आप छोटी बात ना लें, इसको हल्के में बात ना लें, क्योंकि हम सब जानते हैं वचन क्या बताता है, कि शैतान इस फिराक में रहता है, किसको पकड़े और फाड़ खाए, जैसे शेर रहता है अपने शिकार की खोज में, ये बाइबल बता रही है। तो हम सतर्क रहें कि अगर हम दावा तो करते हैं बाइबल का, हम दावा तो करते हैं, वचन गीत दिन भर हालेलुया हालेलुया करते रहते हैं, लेकिन करेक्शन हम ग्रहण नहीं करना चाहते, जो आत्मा की बातें वो नहीं करना चाहते हैं। वैसे यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया था, जब उसके आसपास के लोग कहने लगे ये तो वही है, क्या ये उस बड़ही का बेटा नहीं है, क्या ये वो मरियम का बेटा नहीं है जो यहाँ रहता, इतनी बड़ी बड़ी स्वर्गीय बात मसीह बता रहे हैं और उनके सामने, आंखों के सामने रोज हो रहे हैं चमत्कार, फिर भी बोल रहे हैं ये तो वो है। उसके बाद क्या हुआ, लिखा है मसीह ने फिर वहाँ अधिक काम नहीं किया आश्चर्य कर्म के उनके अविश्वास के कारण, प्रभु ने जगह छोड़ दी। वही प्रभु का आत्मा है, नहीं बदलोगे, नहीं फिरोगे तो उसका अभिषेक चला जाएगा। फिर दुनिया के मामले में आप कितने हिट हैं या फ्लॉप हैं, कितने बड़े सफल हैं या असफल हैं, कितनी लंबी आपकी आयु है या कम आयु में मर गए, कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि स्वर्गीय मुकुट प्रभु का जो उद्धार का योजना है वो आप अपने इन छोटे 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 बेकार की बातों में, फिजूल की बातों में, अपना समय व्यर्थ, दूसरों का समय व्यर्थ हम करते रहते हैं। तो प्रभु का प्रकाशन, हो सकता है ये बहुतों को छोटी बात लगे, लेकिन आत्मा बता रहा है ये छोटी सी आग जो है जब लगती है ना तो बड़े बड़े जंगल को भस्म कर देती है, वैसे ही ये छोटी सी चिंगारी, तुझे ये कह रहा, वो तुझे वो कह रहा, उसने वो कहा, इतनी बड़ी कहानी बनाई शैतान ने कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, वैसे मनुष्य सोचने लगता है छोटी सी तारीफ सुन के, जैसे मुझे कौन सी राजगद्दी मिल गई, कौन सा पद प्रतिष्ठा मिल गया, वहाँ सुनना चाहता है इंसान हमेशा। प्रभु का वचन कहता है आज हम सावधान रहें, दीन होके आएं, अपने कानों को, होंठों को, बोलने के जुबान को चौकस रखें, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या ग्रहण कर रहे हो और किस पर विश्वास कर रहे हो।
जो यकीन नहीं करते हैं, अपने तर्क देते हैं, अपने लॉजिक लगाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लॉजिक वो लगाते हैं शैतान की बात में कि हव्वा से शैतान ने क्या कहा, निश्चय तुम नहीं मरोगे। तो वो कहते हैं सांप तो सच बोल रहा था, वो कहाँ मरे, परमेश्वर तो कह रहा था कि खाओगे फल तो मर जाओगे, लेकिन शैतान कह रहा था निश्चय तुम नहीं मरोगे, और ये तो मरे नहीं थे, बस उन्हें निकाल दिया था। फिर मनुष्य की सीमित बुद्धि, जिसे शैतान ने बिल्कुल अटका रखा, वहीं आगे बढ़ने नहीं देते। आप नहीं जानते कि जो प्रभु के अनुग्रह से वंचित हो गए, जो उसकी मुफ्त में सब वाटिका में सब कुछ उपलब्ध है, वहाँ से वो गिरा दिए गए, प्रभु की निकटता से दूर हो गए। वो आत्मिक मृत्यु, प्रभु से दूर होना कितनी बड़ी चीज़ है, वो सांस की बात समझ रहे हैं, फिर भी प्रभु का अनुग्रह की परमेश्वर बार बार मौका देता है, वहाँ भी उसने निकाल दिया लेकिन फिर से मौका दिया, बार बार मौका देता है परमेश्वर। ऐसे ही प्रभु के लोग भी, मैं भी यही सोचती हूँ, प्रभु से जवाब सवाल करती थी, बहुत मेरे साथ भी हुआ, प्रभु में मसीह में भाई बहन समझ के तन मन से प्रार्थनाओं के द्वारा और बड़े आत्मा से भरपूर सिंसियरली हम अगर प्रभु का कार्य करते हैं, फिर हमें ऐसे लोग अगर मिल जाते हैं, मन दुखी हो जाता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें सिखाने के दौर से निकल के आ रहा हूँ, चाहता हूँ कि तुम अपने नई जनरेशन को, नए लोगों को बताओ, इन बातों से सतर्क रहो। ऐसे ही बार बार रो रो के आते, दीदी दीदी, भैया भैया कह के माफ़ी मांगते हुए, सॉरी सॉरी, तो वचन क्या कहता है, कोई कितनी बार आए, 7 के 70 बार माफ़ करो और उसे बुलाओ, मौका दो। लेकिन उसको जो माफ़ी मांग रहा है, माफ़ी मतलब वाकई में मन तोड़ के कि ये मुझसे गलती हुई, अब आगे से नहीं होगी। लेकिन तुम अगर दूसरों को बिल्कुल ही उल्लू बना के, फॉर ग्रांटेड लेके, फ़ायदा उठाने के लिए, यूज़ करने के लिए बार बार एक कहानी गढ़ रहे हो और बाज नहीं आ रहे, आँखों के अंधे थोड़े ना लोग हैं, दिखाई दे रहा है पीछे इस बंदे को क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, और सामने जो हाथ जोड़ के वाह 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 करके चरणों में लेटे हुए। परमेश्वर का वचन कह रहा है सुधर जाओ, अभी भी मौका दे रहा है प्रभु का वचन कि ये जो दबी छुपी बात है वो दबी छुपी नहीं होगी, खुलने वाली है प्रकट में सबके सामने। आपके सारे बातों को एक एक शब्द का लेखा धोखा देना है हमको प्रभु को। तो आज के वचन के ज़रिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आगे और प्रकाशनों के साथ हम नई सीरीज़ में, एक नई वीडियो में फिर से शामिल होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।